हमारे साथ एक बहुत ही महान अनुभवी और महान इंसान आकर बैठे हुए हैं जिनको एक्चुअली हम लोग भी ऐसे देख रहे हैं कि भाई कैसे कैसे राइट सर बिल्कुल यहां पर हमारे पास बैठे हैं स्वयं श्री कृष्ण जिन्होंने मैथ्स में नाइनटी फोर मार्क्स अचीव किए हैं इन द दसीए फाउंडेशन एग्जाम्स हेल्ड इन दिसंबर 2021 सो दिस इज अमेजिंग आई वेलकम यू कृष्णा सर आप कुछ कहना चाहते हैं यस yes, तो कृष्णा गोयल इनका नाम है एंड रियली really, जैसा कि सर ने बोला साक्षात श्री कृष्ण क्योंकि हम लोगों को भी वैसा ही फील हुआ जब हमने पहली बार देखा 94 मार्क्स इन मैथ्स जनरली 94 मैथ्स में इज वेरी रेयर फिनोमेना कि कभी होता है एंड वन मोर थिंग सर इट इज़ वेरी रिलेटेबल टू मी कि कृष्णा से जब पहली बार बात हुई थी आफ्टर द रिजल्ट एंड ही इज़ ऑल्सो फ्रॉम द स्मॉल प्लेस हाथरस तो यहाँ पर कहीं ना कहीं बहुत सारे बच्चे जो स्मॉल प्लेसेस से हैं उनको ही एक बिलीफ मिलेगा कि प्लेसेस डू नॉट मैटर यार प्रिपरेशन मैटर करती है और आफ्टर अन अकेडमी तो ये चीज़ बिल्कुल टोटली ट्रू हो गई है तो कृष्णा हु इज हेलिंग फ्रॉम हाथरस नियर आगरा उत्तर प्रदेश इज इन फ्रंट ऑफ यू एंड आज हम लोग उनसे सारे क्वेश्चन पूछने वाले हैं आप लोगों के भी क्वेश्चन लेंगे और एक्सपीरियंस जानेंगे हम भी जानेंगे आप भी जानेंगे कि ऐसा क्या सीक्रेट मंत्र है जिससे आउट ऑफ ये लेकर आए यस सर ओवर टू यू बिल्कुल बिल्कुल सो कृष्णा कैसा लग रहा है आपको हाउ यू फीलिंग राइट नाउ अच्छा लग रहा है सर अमेजिंग अमेजिंग so, तो कृष्णा शुरू करते हैं एकदम ठीक है एकदम टू द पॉइंट बात करना शुरू करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल मेनी मेनी टू यू Uh, 94 मार्क्स जब हम लोगों ने आपके सुने तो एक्चुअली प्रणव सर और मैंने भी आपस में बात की थी फोन पे एंड वी वर लाइक के यार इतने तो हम भी नहीं ला पाते अगर हम पेपर देखने जाते yeah. हमें भी थोड़ा सा तो टाइम लगता है ये चीजों को प्रोसेस करने के लिए बट सीरियसली uh, इतना अमेजिंग रिजल्ट आपका आया तो लेट्स गेट स्ट्रेट टू द पॉइंट कृष्णा आप थोड़ा सा अपने बारे में बताइए सभी लोगों को आप कहाँ से है वट इज योर फैमिली बैकग्राउंड वट वज योर वट डोर पेरेंट्स डू एंड कुछ बताइए अपने बारे में कृष्णा तो बेसिकली माय नेम इज़ कृष्णा गोयल एंड मैं मोसान एक छोटे से टाउन से हूँ मोसान जो कि हाथस के पास में है एंड या मतलब मेरे फादर बिजनेस मैन है जिनकी मतलब ग्रॉसरी शॉप है और मदर मेरी हाउस वाइफ है नॉर्मल तो मेरा मतलब फैमिली बैकग्राउंड ये है कि मतलब इतना अब ठीक ठाक एजुकेटेड है सब लोग बट या मेरा बड़ा भाई है वो भी सी कर रहे हैं अच्छा वो अभी करेंटली सी इंटरमीडिएट में है अच्छा अच्छा ओके Yes, तो आपके तो भाई और, आपके बड़े भाई आपसे कितने साल बड़े, वैसे एक साल बड़े, है वो. एक साल बड़े। उनका सीए फाउंडेशन लास्ट ईयर हो गया हो yes, तो उन्होंने भी सीए फाउंडेशन से किया हमें समझ में आ गया आ, कि आपके भैया से आपको पता चला <laughs> हाँ है ना चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया तो मुझे कृष्णा आप ये बताओ आपके भाई सीए कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है तो आपने कैसे सोचा आपने अपने भैया को देख के सोचा कि मैं भी सीए करूंगा या आप पहले से बचपन से चाहते थे सीए करना हाउ डिड यू डिसाइड आपने कब डिसाइड किया कैसे डिसाइड किया कि मुझे सीए करना है जैसे तो जब मैं अपने बारे में अगर बताऊं तो मुझे पता भी नहीं था सीए नाम की कोई चीज होती है मुझे तो मेरे डैड ने बस बोला था एक बार के आ, सीए कर लो मैंने कहा ठीक है तो मेरे साथ तो ऐसा हुआ था तो आपके साथ क्या हुआ था कृष्णा सर yeah, एक्चुअली तक तो किसी को मुश्किल ही पता रहता है सी ए क्या होता है जब मैं टेंथ में मेरे रिजल्ट आया तो मतलब, तो okay. मतलब यहाँ पे हैरार हाँ। के बना रखी है, मतलब हाँ, हाँ, अच्छा है तो साइंस ले लो नहीं तो फिर कॉमर्स ले लो वे आर्ट्स ले लो बट मेरे को थोड़ा मतलब शुरुआत से ऐसा था रियलिस्टिक पढ़ने में थोड़ा अच्छा लगता था कुछ ऐसा पढ़े जो लाइफ में इंप्लीमेंट हो पढ़ने में तो इसलिए मैंने कॉमर्स ऑप्ट किया क्योंकि तो मेरे को पता था इसका रियल लाइफ इम्प्लीमेंटेशन होने वाला है कुछ ओके अच्छा। तो इसलिए और मैथ्स में मेरा थोड़ा इंटरेस्ट था टेंथ से अच्छा और और एक्चुअली थोड़ा तब उस कंप्यूटर साइंस वगैरह इतना अच्छा नहीं लगता था तो मैंने कॉमर्स प्लस मैथ्स ऑप्ट किया 12th में अब उसके बाद में सर बात रियल लाइफ एप्लीकेशन की है तो सर सबको ही पता है मतलब सबसे ज्यादा प्रेस्टीजियस कोर्स है सर सी तो इसलिए मैंने सीए ऑप्ट किया और ऑब्वियसली मेरा बड़े भाई भी कर रहे थे तो मेरे को थोड़ा आईडिया लग रहा था हां सीए होता क्या है ओके ओके नाइस वेरी दैट इज ग्रेट दैट इज ग्रेट तो कृष्णम एक सवाल मेरे दिमाग में भी आया कि जैसे आपने बताया कि आपके फादर ग्रॉसरी मर्चेंट हैं और आपकी मदर uh, होममेकर है हाउसवाइफ है माय केस वाज आल्सो एग्जैक्टली द सेम थिंग और मुझे ऐसा लगता है कि uh, जब पेरेंट्स आपके उस लाइन से एग्जैक्टली exactly जुड़े हुए नहीं हैं बिजनेस फैमिली से हैं छोटी जगह से हैं तो कुछ चैलेंजेस आते हैं क्योंकि uh, जब सिटीज़ में हम होते हैं तो पेरेंट्स भी ऑलरेडी अवेयर होते हैं और यहाँ पर कहीं कही ना कहीं आपने और आपके भैया ने थोड़ा ज़्यादा रिसर्च किया होगा चीज़ों को जानने में तो वो जर्नी थोड़ी सी आप एक्सप्लेन करोगे कि क्या चैलेंजेस आपके सामने आए थे बीइंग यू आर नॉट फ्रॉम दैट बैकग्राउंड सर इस मतलब इस पर्टिकुलर वे में बोलना चाहूंगा कि इस चीज़ में मैं काफी ज़्यादा लकी हूँ क्योंकि मतलब हमेशा से मेरे पेरेंट्स ने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया और मतलब इस चीज़ की कभी दिक्कत नहीं हुई सर हमेशा उन्होंने बोला है तो मैं जो कर रहा है मतलब कर रहा हूँ मतलब मतलब

अरे बाप रे ये फोर्स साइंस दिलवाने वाले ना मेरे को कभी समझ में नहीं आते मैं मेरे को कभी समझ में नहीं आते मेरा भी केस इसके जैसा था सर कि मतलब प्रेशर कुछ नहीं था लेकिन सिचुएशन उल्टी थी मतलब मुझे ऐसा था कि सीए करना है लेकिन मैंने बोला था मैं अभी साइंस ले लेता हूँ क्योंकि दो साल बाद अच्छा। मेरा मन बदल गया तो मैं क्या करूंगा हाँ मैं इतना अवेयर था उस चीज को लेके की बट हाँ मतलब मैंने उसके बाद जब साइंस से किया तो फिर मुझे किसी ने ऐसा नहीं बोला कि तुम आईआईटी आई टी ए आई की तैयारी क्यों नहीं कर रहे फिर हाँ, मैंने बोला अब भी मैं सीए जाने को रेडी हूँ तो पेरेंट्स फॉर सपोर्टिंग ये बहुत अच्छी चीज़ है यार पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत, बहुत ज़्यादा मैटर भी करता है एक चीज़ और सर जैसे आपने बोला था अनकेडमी से कैसे जुड़े ये तो हमको पता चल गया कि भैया के थ्रू लेकिन क्या आपको भैया की जर्नी पता है कि भैया कैसे जुड़े थे सबसे पहले जाने कैसे थे हम लोगों को सर एक्चुअली क्या हुआ था मेरे भाई जब सीए फाउंडेशन के लिए एनरोल किया था तो उन्होंने कहीं और एनरोल किया था पहले तो उन्होंने उसमें दो से तीन मंथ वेस्ट किया बट उन्होंने को समझ नहीं आया तो मेरे कजिन है मेरे ताऊजी के बेटे हैं तो उनके फ्रेंड काफी यूपीएससी वगैरह कर रहे हैं तो उन्होंने सजेस्ट किया भाई अच्छा। अन अकेडमी है काफ़ी ज़्यादा फेमस है इस टाइम पे और काफी ज़्यादा अच्छे एजुकेटर्स है और क्वालिटी एजुकेशन और सबसे मेन चीज थी लाइव क्लासेस सर लाइव क्लासेस कोई प्रोवाइड करता नहीं था आप लाइव डाउट उस टाइम पे डाउट्स वगैरह कभी भी पूछ सकते हो तो फिर तब थोड़ा सब्सक्रिप्शन लिया ये सब सोच के शुरुआत में काफ़ी दिक्कत आई सर क्योंकि

उसके yes, बाद वापस से मतलब देखिए दोस्तों कि ऐसा भी हो जाता है कि हम फीस दे देते हैं उसके बाद पता चलता है कि समझ में नहीं आ रही ट्रांसपेरेंट yes. तो <coughs> हम लोग बोल रहे कोई दिक्कत yeah. नहीं <laughs> बिल्कुल सही yes, है और वो पूरा सिलेबस भी लाइव डेली लिंक पे पूरा में अवेलेबल है हर बैच में चल रहा है सारी वीडियोस यूट्यूब पे अवेलेबल है प्लेलिस्ट बनी हुई है एवरीथिंग इज सो ट्रांसपेरेंट और अगर आपको एडिशनल बेनिफिट्स चाहिए तो फिर आप दे सकते हो तो कृष्णा आपने आ, youtube वाली क्लासेस देखी थी हम लोगों की नहीं सर एक्चुअली जब मेरा जब तक टर्न आया था तब तक तो सर प्लस सब्सक्रिप्शन था ही तो सर मैं तो डायरेक्ट हाँ। प्लस ही देखा है हाँ अच्छा। बट कुछ कुछ तो तब आप हाँ बहुत बढ़िया तो आपने लक्ष्य बैच ज्वाइन किया होगा जो नवंबर 21 वाला था सर शुरुआत में मैंने काफी

ये एक गलत चीज थी ये चीज हमें नहीं करनी चाहिए तो ये चीज मैं सभी स्टूडेंट्स को कहना चाहता हूँ चॉइस टू चूज विद इन मल्टीपल एजुकेटर्स लेकिन अगर आपने एक बार किसी एजुकेटर को चूज कर लिया तो फिर आपको उसको टाइम देना चाहिए आई एम नॉट सी जस्ट अस

हम लोग जिस तरह से पढ़ाते थे क्लासेस में कि आपने वर्ड टू वर्ड वही फॉलो किया या आपने अपनी कोई स्ट्रेटेजी बनाई जैसे आपने बताया कि आप लाइव क्लासेस नहीं देख पाते थे ड्यू टू सम प्रॉब्लम्स नेटवर्क प्रॉब्लम्स की वजह से तो आप रिकॉर्डेड क्लासेस देखते थे तो जैसे मैं रिविजन प्लानर बनाता हूँ प्रणव सर भी कुछ ना कुछ आपको बताते हैं रिविजन कैसे करना चाहिए quizzes, तो वो सारी चीजें आपने आ, कुछ अपनी स्ट्रैटेजी बनाई थी या आपने बिल्कुल वैसे ही फॉलो किया था जैसे हम लोगों ने कहा था उसके बारे में कुछ बताइए नो डाउट हर स्टूडेंट थोड़ा अलग स्ट्रेटजी तो बनाता है लेकिन आपकी वाली स्ट्रेटजी वो वाली मस्त थी सर वो रिवीजन प्लानर वाली जो 2 डेज बाद उसके बाद में फिर 1 मंथ बाद 1 वीक बाद वो वाला और प्रणव सर के सर वो जो प्रिंटेबल नोट्स रहते हैं थ्योरी वगैरह के लिए वो सब मतलब वो सब मतलब आपकी बातें तो मतलब कंसीडर करी थी सारी की सारी वो स्ट्रेटजी अच्छा। थोड़ा अलग थोड़ा बहुत अलग हो जाता है वो ठीक है सर वो तो करना ही चाहिए वो थोड़ा बहुत देखो हर स्टूडेंट को अपने हिसाब से बनाना ही होता है तभी जैसे सभी स्टूडेंट्स कहते हैं ना कि टाइम टेबल बता दो एक दिन में कितने घंटे पढ़ना चाहिए तब आ, हम लोग भी यही बोलते हैं कि यार वो कम्पलीटली स्टूडेंट टू स्टूडेंट डिपेंड करता है हम लोग ऐसे नहीं बता सकते कि एक स्टूडेंट को ऑन एन एवरेज कितने घंटे पढ़ना चाहिए hmm. तो आपकी क्या स्ट्रैटेजी रही कृष्णा ये सब जानना चाहते हैं यहाँ पर कि मैथ्स के, के टॉपर जिसके 94 मार्क्स आए हैं उनकी क्या स्ट्रैटेजी रही आपने कैसे पढ़ाई की सब पार्टिकुलरली मैथ्स को अगर मैं लेके बताऊं तो सर सबसे पहले मेन तो मॉड्यूल ही सॉल्व किया था मैंने मॉड्यूल ने मॉड्यूल सॉल्व आपने करवाया मॉड्यूल मॉड्यूल किया मैंने फिर मैंने दूसरी बार खुद से भी मॉड्यूल किया था तो okay. फिर उसके बाद पीवाईक्यू वाई के पी बैचेस वो अटेंड किए थे मैंने तो ठीक. फिर लास्ट में वो आपने स्कैनर कराया था मैंने स्कैनर भी सॉल्व किया था हां बट मैंने वो सॉल्व नहीं की थी एडिशनल क्वेश्चन बैंक वो मैंने नहीं सॉल्व की आज तक कभी ठीक और उसके बाद ना प्री एग्जाम्स मैराथन में भी अपना पूरा का पूरा आई थिंक स्टक हो गया हाँ कोई बात नहीं अभी आ जाएगा तो बेसिकली प्री एग्जाम मैराथन भी इसने किया हुआ है और सर एडिशनल क्वेश्चन बैंक जिसको लेके काफी चर्चा होती है कि हाँ, आप लोग तो नहीं आप करवाते लो ये हो ये मैथ्स के मैथ्स के टॉपर का भी जो एडिशनल मैथ्स के टॉपर ने भी एडिशनल क्वेश्चन बैंक नहीं किया है ठीक है तो ये एक वाकई सर बहुत ही अच्छा पॉइंट है

तो भाइयों और बहनों देवियों और सज्जनों हमारे इस ब्रॉडकास्ट में हमारे इस टेलीकास्ट में थोड़ा सा एक विराम आ रहा है थोड़ा सा अल, अल्प विराम टाइप की चीज आ रही है कि थोड़ी सी चीज है थोड़ा सा ब्रेक है लेकिन आई होप यू आर इंजॉइंग इट और अगर आप लोगों के कोई सवाल हैं तो आप यहां पर करना शुरू कर दो अंजलि सिंह कह रही है मेरी सिचुएशन भी अभी यही है

और वन okay. शॉर्ट रिवीजन थे कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन थे वो सर मतलब मॉड्यूल कम से कम मैंने छह सात बार सॉल्व आराम से हो गया होगा पूरा इन सब चीजों को करते करते हाँ 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 हाँ, हाँ। मतलब, वे मतलब वे को आपने बार बार रिवाइज किया और उसी की प्रैक्टिस करी यस परफेक्शन आ गया उस चीज में यस yes. yes. मैं इस इस पॉइंट को नोट किया जाए मिलॉर्ड कि इस बंदे ने सेम मटेरियल को छह सात बार रिवाइज किया ये बात जब हम लोग स्टूडेंट्स को बताते हैं तो कई सारे स्टूडेंट्स मानने के लिए तैयार नहीं होते तो वाले वाले हैं तो है? एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं उससे फर्क नहीं पड़ता है अगर आपने सेम जैसे आईसीआई के मॉड्यूल को आपने छह सात बार कर लिया आपने पास एग्जामिनेशन क्वेश्चन कई बार कर लिए फिर आपने टेस्ट अटेम्प्ट किए

उन बच्चों ने बोला कि सर हमारा काफ़ी कुछ तैयार है हम पूरा बैच नहीं करना चाहते मैं कम्पलीटली एग्री था कि आप सिर्फ वो टॉपिक करो जो आपको नहीं होते लेकिन मैंने बोला क्विज जो हो रही है क्विज़ उसमें आप लाइव आ जाओ चाहे वो कोई भी टॉपिक की हो रही हो आपका अपने आप रिविजन होगा तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कृष्णा आपने अभी तक बता दिया कि आपकी जर्नी जो थी जब हम लोग सारे लोग मैराथन्स ले रहे थे तो आपको क्या लगता है कि जैसे जनरली इंडिया में चलता है कि ऑनलाइन uh, मैराथन जो होते हैं एक वीडियो होता है बारह घंटे का जिसमें सिलेबस डाल दिया जाता है वो भी रिकॉर्डेड क्या आपको वो पैटर्न सही लगा या फिर जैसे बाहुबली टीम ने मैराथन कंडक्ट करी थी फॉर कम्पलीटली लाइक टू डेज जिसमें पूरा सिलेबस कवर हुआ और डेली सारे सब्जेक्ट्स कवर हो रहे थे तो आपने अगर ज्वाइन किया था तो कैसा आपका वहाँ पर एक्सपीरियंस था बताइएगा थोड़ा सर मेरे पूरे फाउंडेशन जर्नी का बेस्ट एक्सपीरियंस ही वो प्री एग्जाम मैराथन था मेरे अकॉर्डिंग Okay. सर एक्चुअली लोग क्या करते हैं सर मैं तो देख ही नहीं सकता सर वो सब चीज़ें कंटिन्यूस पाँच घंटे एक ही सब्जेक्ट को वीडियो देखना या दस घंटे देखना सर वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है लोग मुझे नहीं पता okay. सर कैसे देख लेते हैं बट वो तो मतलब रेगुलर क्लासेस जैसा था कि हाँ रिविजन चल रहा है पता भी नहीं चल रहा और पूरा आपका सिलेबस होते जा रहा है दस दिन के अंदर एग्जाम में अगर okay. आप थोड़ा थोड़ा अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो मतलब इतना दिक्कत नहीं होती है और माइंड में भी रहता है अब एक साथ या आप एक दिन में पूरा पढ़ लो तो वो माइंड में भी नहीं रहेगा इतना ग्रैस भी नहीं कर पाएगा माइंड

Uh, सबको पता है हम लोग भी उसमें अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम पोर्शन आप लोगों को रिवाइज करवा दे और सर और मैं मिलकर हम लोग पूरा ही सिलेबस ऑलमोस्ट रिवाइज करवा देते हैं आप लोगों को उस टाइम लेकिन uh, कई सारे स्टूडेंट्स के लिए इट्स नॉट नेसेसरी कि वो वीडियो देख के करें कई सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि नहीं हम अपना पढ़ ले सेल्फ uh, स्टडी कर ले आपने कैसे किया कृष्णा आप ये बताइए सर एक्चुअली जब मेरे को ना सबसे ज्यादा डरी लॉ के पेपर का लगता था जब मेरा लॉ का पेपर हो गया अच्छा। मैं अटेम्प्ट पूरा किया था पेपर वो

और लेकिन हमारी बॉन्डिंग थोड़ी अलग टाइप की है हम लोग ऐसे ही फोन पे बात करते हैं और कई बार हमें किसी इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करनी होती है हम मुश्किल से दो तीन मिनट में वो बात करके खत्म कर लेते हैं उसके बाद एक घंटे हमारी कॉन्वर्सेशन ऐसी ही चलती रहती है तो इस टाइप के डिस्कशन हम लोग बहुत करते रहते हैं कई सारे आइडियाज मुझे प्रणव सर से पता चलते हैं कई सारे आइडियाज हम लोग डिस्कस करते रहते हैं ऐसे तो ये वाला ये वाली चीज प्रणव सर ने भी बोली थी मेरे को कि हाँ यार ये सॉल्यूशन देने वाला आइडिया अच्छा है क्योंकि उस समय कोई भी स्टूडेंट ये एक्सपेक्ट नहीं करेगा और

सर 30 किलोमीटर अप्रोक्स होगा 30 किलोमीटर पहुंचने में कितना समय लगता था सर आराम से 40 टू 45 मिनट बहुत आराम से और ज्यादा ही थोड़ा और अपन थोड़ा जल्दी निकलते थे तो वहाँ पर थोड़ा खड़ा रहना पड़ता था मतलब तो ऑबवियसली कार के अंदर ओके ओके तो रास्ते में पढ़ते हुए जा रहे थे आप सर पढ़दा तो ऐसा था ब्लूटूथ से कनेक्ट किया था मैंने फोन को मैं अपने फ्रेंड के साथ जा रहा था एग्जाम देने तो हमने शेयरिंग में करी थी तो वहां ब्लूटूथ से कनेक्ट करके स्क्रीन पर लगा के फार्मूला थॉन फार्मूला थॉन था एंड uh, वो था थारिया जरूरी हमने उसे हाँ। चला लिया आराम से भाई सुनते सुनते जा रहे हैं आराम से जब एग्जाम में गए तो लोगों को थ्योरी का बहुत डर रहता है स्टेटि, में तो हाँ। वो सेक्शन अलग से सर ने लिया ही था तो वहां पर गए हाँ। तो पता चला पांच छह क्वेश्चन वही जो कार में मतलब जो सुना वही से एग्जैक्टली वही क्वेश्चन रिपीटेड अच्छा। अरे वाह वाह कहीं ना कहीं सर ऐसा लगता है कि जो एक दो घंटे पहले कोई चीज पढ़ी हो अगर वो दिख जाए ना तो बड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है कि अरे अभी क्या करता है हाँ, सही सही बात है ये बिल्कुल सही <laughs> बात है बहुत बढ़िया चलो अब बात करते हैं जिस मोमेंट पे आपको पेपर मिला आप एग्जाम हॉल में पहुंच गए अब पेपर मिला होगा आपको दोपहर को दो बजे क्योंकि मैथ्स के पेपर में रीडिंग टाइम नहीं मिलता है ठीक है अब पेपर मिला आपने पेपर पढ़ा मैथ्स के पेपर को लेकर कई सारे स्टूडेंट्स के मन में ऐसा था कि कई सारे क्वेश्चन आंधी आए थे ऑल दो वो छे साथ ही थे और हम लोगों ने भी कई बार स्टूडेंट्स को बताया कि यार छह क्वेश्चन अगर आंधी थे तो नाइनटी फोर तो आपको आते थे इस की चीजें हम लोगों ने तो बात की आप ये बताओ कि मैथ्स के पेपर के दिन जब एग्जाम चल रहा था तो एग्जाम वाले समय में आपने को कैसे किया? आपकी करने की क्या क्या थी? और क्या पेपर के आपको कैसी फील आई एग्जाम का वो दो घंटे आप जरा अच्छे से डिस्क्राइब करो आपने क्या किया यस सर सबसे पहले तो सर पेपर आया सर ऐसा तो मतलब पेपर पढ़ने का टाइम तो मिलता ही नहीं है तो शुरू के पांच छह क्वेश्चन ही थे अब अच्छा। मैंने तो कैलकुलस किया हुआ था आपने वैसे भी किया हुआ था मैंने calculus, तो मैंने पांच छह सॉल्व कर लिए उसके बाद बहुत सारे एलआर के क्वेश्चन थे मैंने पहले ही हाँ। सोच लिया था जो मेरे को लगता है उसके बाद क्वेश्चन आए सीटिंग अरेंजमेंट में सर्कुलर वाले अब सर उसमें बहुत टाइम लगेगा तो मैं उसे भी छोड़ते गया और नंबर सीरीज के थे वो भी क्वेश्चन में स्किप करते गया सारे <laughs> तो Very इन nice. द एंड पता चला एक घंटा हो गया एक घंटे में मेरे 60 से ऊपर क्वेश्चन हो गए थे तो उसमें कुछ तो थ्योरी आइडिया नहीं था कुछ भी क्या वाला है इसमें। वो मतलब okay. से एक क्वेश्चन तो वैसे थे, और तो मेरे 40 बचे हुए थे। फिर आधे घंटे में मैंने वो किए एल आर वगैरह के क्वेश्चन तो आधे घंटे में मेरे अगले थर्टी क्वेश्चन हो गए फिर मेरे पास दस क्वेश्चन एक घंटा लगा क्वेश्चंस करने में और Short उसके बाद आधे घंटे के अंदर छोड़ के क्या ही जाना <laughs> मतलब छोरी अच्छा. क्वेश्चन थे दो ओके <laughs> okay. दो क्वेश्चन थर्टी थे जो मेरे को नहीं आते थे तो मैंने उसमें Okay. अब एक क्वेश्चन था से से उसमें क्या था उसने एनवीटी नहीं लिखा था उन्होंने लेकिन उसका मतलब क्वेश्चन question... मैंने टी का लगा के मैंने किया अब उसमें उसमें फॉर्मूल मैच हो रहे थे मतलब जो मेरा आंसर okay. था तो मैंने वही टेक कर दिया क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं था क्योंकि नॉर्मल से वो सॉल्व भी नहीं हो सकता था तो क्वेश्चन नहीं ऐसा था एनवीटी का क्वेश्चन लग रहा था बस उन्होंने वर्ड लिखा ही नहीं था लेकिन एनवीटी तो कुछ कुछ थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड वहां रखो तो क्वेश्चन भी थोड़ा सॉल्व कर सकते हो कभी कभी भावनाएं समझ नहीं पड़ती एग्जामिनर की शब्दों को छोड़ना पड़ता है अभी अभी एक क्वेश्चन आया है जिसमें जो कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट का क्वेश्चन है मॉक टेस्ट पेपर में आया था और उस क्वेश्चन में ही नहीं है कि क्या कैलकुलेट करना है बस टेबल दे दिए तो उसमें मैं यही बताता हूं वो क्वेश्चन समझाते हुए तो, में तो कुछ मेंशन ही नहीं है कि क्या लिखा क्या कैलकुलेट करना है लेकिन क्वेश्चन का स्ट्रक्चर देख के फील तो आ रही है ना कि एग्जामिनर क्या पूछना चाह रहा है तो yes, कई बार वैसे भी आपको अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड करनी होती है एंड आई वुड लाइक टू रिमाइंड ऑल ऑफ यू

तो फिर एग्जाम हॉल में क्लियर करना तो आसान रहेगा एंड ऑल थिंग्स हैव बीन डिस्कस ना कि आपको अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता तो आप छोड़ दीजिए बाद में उस पर आइए तो वो कितनी जल्दी सॉल्व होने लग जाएंगे अब जैसे सीटिंग अरेंजमेंट्स नंबर सीरीज के बारे में आपने बात की कि उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में लगता ही है टाइम लगेगा ही नंबर सीरीज के स्पेशली जो क्वेश्चंस आते हैं वो तो अगर देखा हुआ क्वेश्चन आ गया तभी क्लिक करेगा अदरवाइज तो उसमें आप समझ लो आराम से पांच सात मिनट चले गए

एटलीस्ट फिफ्टीन टू ट्वेंटी क्वेश्चंस मतलब बिल्कुल सेम थे जो स्टडी मटेरियल में दिए हुए हैं मतलब वर्डिंग्स भी बिल्कुल बिल्कुल सेम थी हम्म बिल्कुल बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया आ, तो फिर आपका ऐसे पेपर हो गया बहुत अच्छा हुआ उसके बाद जब रिजल्ट आया कृष्णा <coughs> तो रिजल्ट अच्छा। में सबसे ज्यादा मार्क्स आपको मैथ्स में दिखाई दिए वो भी 94.

एंड मेनली यही था कि प्रिपरेशन अच्छी थी तो एग्ज़ाम में परफॉर्म करना था ही और सर मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ था रिजल्ट वाले दिन सुबह से लेके जिस दिन टेन को आया रिज़ल्ट सुबह से लोग स्पैम कर रहे हैं रिजल्ट आ गया लेकिन नहीं आया रिजल्ट आ, फिर भी मतलब आ, फिर फालतू में स्पैम कर जा रहे हैं रिजल्ट सारा आउट रिजल्ट सारा वोट तो फिर मेरे साथ कॉल पे मेरा फ्रेंड था उस टाइम परम पे रिजल्ट आया था उसने भी अकेडमी से ही पढ़ा हुआ है एंड वो भी मतलब सी फाउंडेशन ही दिया उन्होंने अटैम्प्ट तो अपन कॉल पर बात कर रहे थे तभी मैं ट्विटर स्क्रोल कर रहा था तो वहाँ पर वो धीरज खंडिलवा सर हैं

लेकिन हाँ उसके बाद में थे मार्क्स उसके बाद को थोड़ा खुशी हुआ हाँ मैथ्स में नाइन्टी तो आ गए मैं एक्सपेक्ट कर रहा था सर इको में भी नाइन्टी प्लस ही एक्सपेक्ट कर रहा था बट अब मेरे को नहीं पता कैसे कट हुए नहीं, मुझे नहीं, सर बहुत अच्छा लगा था रिजल्ट के दिन मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ कि जनरली हमको सर एग्ज़ाम्स के बाद बहुत सारे बच्चे मैसेज करते हैं कि कैसा रहा क्या रहा और मैंने रिजल्ट देखा कृष्णा के रिजल्ट के दिन तो मैसेज में ऐसा लिखा था सर 94 फोर आउट ऑफ हंड्रेड तो पहले तो मैं शॉक हो गया उसके बाद जब मैंने प्रीवियस मैसेज देखे ऊपर जाके तो उसमें मैंने देखा exactly दिसंबर को लिखा हुआ है सर फोड़ के आया हूँ साढ़े चार बजे का मैसेज है मे ट्वेंटी टू स्टूडेंट्स हमने आपकी पूरी जर्नी समझ ली एकदम शुरुआत से लेकर एंड तक एंड एम श्योर सभी स्टूडेंट्स के लिए काफी हेल्पफुल रही होगी Uh, क्योंकि आपने सारी अपनी पढ़ने की स्ट्रैटेजी भी आपने बता दी आपने एग्जाम हॉल के अंदर वाली स्ट्रैटेजी भी बता दी आपने सब बता दिया एनीथिंग दो या तीन चीजें एक दो तीन चीजें आप कुछ भी अगर मे ट्वेंटी के स्टूडेंट्स को एडवाइस करना चाहते हैं बिकॉज आपसे निकली हुई एडवाइस को ये लोग बहुत ज्यादा सीरियसली लेंगे मे ट्वेंटी टू के लिए तो बस इतना ही बोलूंगा कि आपने टीम तो बहुत सही चुनिए अगर आप देख रहे हो इस वाली वीडियो तो ऑब्वियसली आप किस टीम बाहुबली टीम से पढ़े हो एंड या ये बोलूंगा आप ब्लाइंडली फॉलो कर सकते हो बहुत इजीली आपको मतलब हैंड होल्डिंग लास्ट तक होनी है उसमें को कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मैं सामने बैठा हूँ प्रूफ एक्चुअली <laughs> तो लास्ट तक आप मतलब भैया सर जो टीचर्स करा रहे हैं अगर वो सब कर लोगे आप तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं सर अब आप आप ही ना मॉड्यूल कम से कम पाँच छः बार करा दिया होगा बहुत ईजी <laughs> <नहीं। laughs> और रिपीटेडली पी वाई के स्कैनर के जो आप <laughs> लेकर आते थे <laughs> <तर> और क्विजेस <वाई। laughs> वगैरह देने में सर मतलब थोड़ा अलग ही मजा आता था मैं वैसे कभी लीडर बोर्ड पर नहीं आया आज तक

द स्ट्रेटजी की एग्जाम के दो घंटे कैसे मैनेज करने वही सारी चीजें आपने भी सपोर्टिंग में बोली uh, एक एक पॉइंट और रह गया है पहले वो डिस्कस कर लेते हैं जो स्पेस होता है बहुत कम होता है रफ पेज के बारे में तो शायद आप कुछ नया बता हाँ। रहे थे इस बार कुछ नया आया है तो थोड़ा बच्चों को गाइड करिए आप अपने जूनियर्स को एक्चुअली वैसे जितना मेरे को मतलब सीनियर्स ने या फिर आप लोगों ने बताया था कि पहले वो एक शीट देते थे जिस पर कैलकुलेशन हाँ। करनी होती थी और एक शीट के अंदर ही सब कुछ करना रहता था लेकिन इस बार क्या था जो एग्जाम पेपर था उसके हर पेज के ऊपर थोड़ा थोडा स्पेस दिया हुआ था और आगे की साइड okay. भी रफ पेज दिया था पीछे की साइड भी रफ पेज दिया हुआ था अच्छा. और मैंने क्या, -क्या था? Actually, मैं तो हर क्वेश्चन था क्वेश्चन मतलब, 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 के जो भी सोल्व कर लेता था, था एंड फिर उसे इरेज कर देता था साथ के साथ okay. तो उससे क्योंकि बार बार पेज टर्न नहीं करना पड़ता उसमें और एज इन तो मतलब वाला था लिखा हुआ था वहां पे एक्चुअली और... तीन चार पेजेस आई थी अलाउड के लिए इस बार सबसे फ्रंट पेज था उस पर भी लिखा हुआ था फ्रंट पेज करो तो साइड वाला तो उस पर भी लिखा हुआ था और सेम चीज़ है लास्ट वाले पेज के साथ में थी चलो तो भाई तुम लोग को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है पहले से बेटर हो रहा है मतलब भरपूर और... स्पेस मिलने वाला है आपको

कुछ और आप, सो मैं कुछ और आप बता दो भैया ये सब कुछ अपने परेशान था मैं कैसे बता दो टाइम टेबल मेरा सर बहुत ज्यादा मतलब बहुत ही अलग था एग्जाम से एक दो महीने पहले सर मैं शाम को पांच बजे सो जाता था, था मैं <laughs> रात के ग्यारह से साढ़े उठता था मैं उसके मैं बाद पॉसिबल हाँ तो तो सुबह, सुबह तो तो नहीं है तो मैं शाम को पांच बजे आराम से शांति में सो जाता था रात को ग्यारह बारह बजे उठ के फिर आराम से पढ़ते रहता था सबसे सही चीज थी सर ये वाला वो बहुत शॉर्टेज टाइम था वाला पूरी रात पढ़ते थे तो ये एग्जाम के समय कुछ समय पहले बंद कर दिया होगा ना ऐसा हाँ सर एक्चुअली आपने वो सेशन लिया था आई सर ने वो वाला के डूज एंड डोंट्स वाला तो उन्होंने पहले बोल दिया था कि उस टाइम पर आपको कोशिश करो कि टू टू फाइव वाले टाइम पर सबसे ज्यादा आपकी प्रोडक्टिविटी निकले और उस टाइम पे सॉल्व करो क्वेश्चन पेपर्स वगैरह तो वो मैंने कभी ने. बंद कर दिया था इसलिए क्योंकि अगर एग्जाम टाइम पर तो नींद वगैरह का काफी दिक्कत हो जाती है वही प्रॉब्लम होती है मेरे एक फ्रेंड के साथ ऐसा हुआ है कि उसने तैयारी का पूरा ये टाइम रखा और फिर दो से पाँच में भी वो सो ही गया था ऑलमोस्ट क्लास में भी पेपर करते थे

आप इनके बेनिफिट्स यहां पर देख सकते हैं और सब्सक्रिप्शन लेते समय आप या फ्लैट टेन परसेंट का डिस्काउंट तो मिल जाता है लेकिन अभी चार बजे से चार बजे से एक नया ऑफर आने वाला है जिसमें आपको ट्वेंटी परसेंट का डिस्काउंट मिलेगा एक्चुअली ट्वेंटी परसेंट का डिस्काउंट अभी भी चल रहा है क्योंकि अभी वेबसाइट पर ऑलरेडी प्राइस टेन परसेंट से स्लैश डाउन है

पहले तो थैंक यू भी बोलेंगे कि बिकॉज इट रियली मेड आवर डे जब हम लोगों ने देखा था कि इतना right. बढ़िया रिजल्ट you, आया थैंक यू सर आपकी वजह से हुआ है इट वाज एक्नॉलेजमेंट फॉर दैट और बाकी आपने अपने हर, हर एक पॉइंट को भी बहुत अच्छे से बताया और आई थिंक बच्चों को भी बहुत कंफर्टेबल महसूस करवाया होगा कि अगर हम बिल्कुल सही स्टेप सही गाइडेंस से चलते हैं तो सब कुछ बढ़िया होगा मतलब नहीं नहीं तो कई बार बच्चे ये सोचते हैं कि जो रैंकर होता है वो कुछ अलग सोच के चलता है वो टीचर्स को फॉलो नहीं करता है बट यू आर एन एग्ज़ाम्पल कि अगर हम स्ट्रिक्टली फॉलो भी करेंगे तो भी मैंने सबसे ज्यादा गलती सर मैं बता बहुत सारे बच्चे हैं जो मतलब शुरुआत से कर रहे हैं को सर मैं मैं बोल रहा है, वो बेटर में, बहुत बेटर में में मेरे से बहुत ज्यादा में तो बहुत लास्ट में आके हाँ तो ये देखिए भाई आप लोग ऑलरेडी बेटर पोजीशन में अगर आप सब कुछ फॉलो करके चल रहे हैं तो lot, निशान सर थैंक यू कृष्णा आप लोगों को भी थैंक यू अटेंड करने के लिए और ये सारी लर्निंग्स को अपने पास लिख कर रखना आज सेशन के बाद भूल मत जाना एंड वी आर अगेन मीटिंग एट सर राइट पर सेवनटी फाइव प्लस मैथ्स में स्कोर करने वाले बहुत सारे बच्चों के साथ हम डिस्कशन करेंगे और अलग अलग वेराइटीज ऑफ ओपिनियंस और एक्सपीरियंसिस लेंगे और आपको गाइड करेंगे तो सी यू ऑल देयर तब तक के लिए बबाई <laughs>